डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लैचेस और फ्लिप फ्लॉप को स्टडी करने जा रहे हैं। इसको डिटेल से लैचेस और फ्लिप फ्लॉप को स्टडी करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ लैचेस? लैचेस क्या होती हैं? द लैचेस इज़ अ टाइप ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस दैट हैज़ टू स्टेबल स्टेट्स, जिसको हम बाई स्टेबल कहते हैं, and is normally placed in a category separate from that of flip-flops। लैचेस हमारे पास एक टाइप ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि टेम्परेरी तौर पे डाटा को स्टोर करती है, एंड हैज़ टू स्टेबल स्टेट्स, जिसको हम बाई स्टेबल स्टेट्स कहते हैं। इसकी दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं, एंड इज़ नॉर्मली प्लेस्ड इन अ कैटेगरी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, और ये फ्लिप फ्लॉप से एक अलग कैटेगरी के अंदर प्लेस्ड होती है। लैचेस आर सिमिलर टू द फ्लिप फ्लॉप्स बिकॉज दे आर बाई स्टेबल डिवाइसेज दैट कैन रिसाइड इन आइदर ऑफ टू स्टेट्स यूजिंग अ फीडबैक अरेंजमेंट्स। तो जो लैचेस होती हैं वो कहीं ना कहीं फ्लिप फ्लॉप्स की तरह सिमिलर होती हैं, क्योंकि उसके वो भी एक बाई स्टेबल डिवाइस है और वो रिसाइड करती है टू स्टेट्स ऑफ फीडबैक अरेंजमेंट इन विच द आउटपुट्स आर कनेक्टेड बैक टू द अपोजिट इनपुट्स, जिसके अंदर हमारे पास जो आउटपुट होती है वो बैक टू इनपुट जो है वो अपोजिट इनपुट्स के अंदर कनेक्ट होती है। मतलब कि हमारे पास पहले की जो आउटपुट होती है वो दूसरे की इनपुट को फीडबैक दे रही होती है, और उसी के ज़रिए फिर वो उसकी दो इनपुट्स बना के हमें एक फाइनल आउटपुट दे रही होती है। तो हमारे पास दो तरह के यहाँ पे लैचेस हैं, SR लैच है और RS लैच है या D लैच है विद लॉजिक गेट्स। जो हमारे पास RS लैचेस हैं उनको हम जो है नॉर गेट्स को यूज़ करते हुए हम ऑपरेट करते हैं, और जो SR लैचेस होती हैं उनको हम नैंड गेट को यूज़ करते हुए ऑपरेट करते हैं। हमारे पास ये देखें, SR सेट, S मीन होता है सेट और R मीन रीसेट। सेट हमारे पास 1 होता है, रीसेट हमारे पास 0 होता है। द लैच इज़ अ टाइप ऑफ बाइस्टेबल लॉजिक डिवाइस और अ मल्टी वाइब्रेटर। An active high input SR latch is formed with two cross coupled NOR gates। तो हमारे पास SR होगा, ठीक है, उसको हम two cross coupled NOR gate से बनाएंगे as shown in figure। An active low input SR latch is formed by the two coupled NAND gates। उसको हम दो NAND gates के जरिए क्या बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, SR लैच है, और ये हमारे पास एक्टिव हाई, जिसको हम एक्टिव हाई भी कहते हैं, और ये एक्टिव लो है, एस कम्प्लीमेंट आर कम्प्लीमेंट लैच, जिसको हम RS लैच भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम नॉर गेट के यूज़ करते हुए बनाते हैं, इसको हम नैंड गेट को यूज़ करते हुए बनाते हैं। इसके लिए हम जो टेबल फॉलो करेंगे वो नॉर गेट का टेबल यूज़ करेंगे, ट्रुथ टेबल, और इसके लिए हम नैंड गेट का ट्रुथ टेबल को फॉलो करते हुए इसको हम इसकी आउटपुट्स क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। द गेटेड SR लैच, ये हम इसे नेक्स्ट स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर अब्रप्ट रिवर्सल होता है समथिंग और एनी स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट का अब्रप्ट रिवर्सल होता है, जिसको हम सिंपली फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। सिंपल वर्ड्स के अंदर हम फ्लिप फ्लॉप को डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ अब्रप्ट रिवर्सल ऑफ समथिंग और एनी स्टेटमेंट। क्लियर। अब फ्लिप फ्लॉप बेसिकली है क्या चीज़? फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। इट इज़ मेमोरी एलिमेंट विच इज़ कैपिटल ऑफ स्टोरिंग out one bit of information, and it is used to clock sequential circuit। ये हमारे पास एक memory element है जो which is capital to storing one, जो कि एक one bit information को store करता है। A flip flop has two output, one for the normal value and other for the complement value। जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स होती हैं वो हमारे पास दो वैल्यू होती हैं, एक हमारे पास क्यू होता है, एक क्यू बार होता है। क्यू को हम नॉर्मल वैल्यू कहते हैं, क्यू बार को हम कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कहेंगे ऑफ द बिट स्टोर। अ फ्लिप फ्लॉप कैन मेंटेन अ बाइनरी स्टेट इंडिपेंडेंटली एज लॉन्ग एज लोअर इज डिलीवर्ड टू द सर्किट। फ्लिप फ्लॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग हाउ देयर इनपुट आर क्लॉक पल्स कॉज। फ्लिप फ्लॉप जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वो डिपेंड करती होती है कि किस तरह की उन्हें इनपुट और क्लॉक पल्स उन्हें मिली है। अ फ्लिप फ्लॉप इज़ आल्सो नॉन एज अ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। एक फ्लिप फ्लॉप को हम बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 बेसिक टाइप्स हैं फ्लिप फ्लॉप की, SR RS JK। यहाँ पर हमारे पास D है, D एंड T फ्लिप फ्लॉप। एसआर और आरएस ए की टाइप है, जे के सेकेंड टाइप है, डी थर्ड टाइप है एंड टी फ्लिप फ्लॉप हमारे पास उससे नेक्स्ट टाइप है। ये हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्लिप फ्लॉप की। ये हमारे पास एक नॉर्मल आउटपुट होती है और ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से हम इसको क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। अब हम स्टडी करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप की फॉर्मेशन को। लैचेस का जैसे कि मैंने बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक नॉर गेट के लिए यूज़ करते हैं और एक नैंड गेट के लिए। जो आर एस लैच होगी उसके लिए हम नॉर गेट को यूज़ करेंगे और एस आर के लिए हम नैंड गेट को यूज़ करेंगे। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, पीछे मैंने आपको जो बुक से देख के बताया उसके अंदर वो आई थिंक कह रहा है कि एस आर के लिए नॉर गेट है, जबकि एस आर के लिए जो है आर एस के लिए नैंड और एस आर के लिए नॉर, लेकिन यहाँ पे आई थिंक उल्टा होगा। तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है कि आर एस के लिए हम नॉर गेट को यूज़ करेंगे और एस आर के लिए हम नैंड गेट को यूज़ करेंगे। हमारे पास पहले हम जो है ना आर एस को सोल्व कर रहे हैं, उसके लिए हम नॉर गेट को यूज़ करेंगे। हमारे पास दो नॉर गेट कुछ इस तरह आपस में कंस्ट्रक्ट होंगे। ये हमारे पास एक नॉर गेट है, ये हमारे पास एक नॉर गेट है, ठीक है। नॉर गेट की एक इनपुट ये है और इसकी इनपुट ये है। इस इनपुट को हमने आर का नाम दिया, इसको हमने एस का नाम दिया। अब यहाँ पे हमारे पास पहले की जो आउटपुट आएगी उसका जो फीडबैक हम देंगे इसकी इनपुट के तौर पे, और इसकी हमारे पास जो आउटपुट आएगी इसको हम फीडबैक देंगे इसके इनपुट के तौर पे। तो ये हमारे पास इस तरह इसका सर्किट बनेगा। ये हमारे पास फॉर्मेशन है फ्लिप फ्लॉप की। तो पहले हम आर एस को सोल्व करते हैं। आर एस को सोल्व करने के लिए हमने नॉर गेट को यूज़ करते हुए सोल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने एक नॉर गेट का टेबल लिखा हुआ है। नॉर गेट का टेबल आपको पता है क्या होता है, और का इन्वर्स होता है। इट्स मीन ए प्लस बी, और उनका आपस में ए प्लस बी का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। ए प्लस बी की जो इनपुट आती है ये उसको क्या कर देता है, इन्वर्स कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा। तो ये नॉर गेट का टेबल लिखा हुआ है आपके सामने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो इनपुट्स हैं, एक एस है और एक आर है, ठीक है। इनपुट्स हमारे पास इस तरह है कि 10 है, 00 है, 01, 00, 11। और ये हमने दो दफ़ा 00 क्यों लिखा है, तो हमने ये जो हमारा जो इसके अंदर वर्क हो रहा है हमने उसको चेक करने के लिए देखना है कि ये कब तक वर्क करेगा और कब तक उसको जो है वर्क नहीं करने देगा, कब जाके ये कंडीशन आउट हो जाएगी। तो पहले हम ये हमने हमारे पास बना हुआ है एक नॉर गेट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ में हमारे पास क्या है, एक एस आर इनपुट्स हैं और ये हमारे पास क्या आउटपुट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आपने एस की वैल्यू 0 देनी है, एस की वैल्यू हमने देनी है 1 देनी है और इसकी वैल्यू क्या देनी है, 0, ठीक है। तो हमारे पास नॉर के अंदर क्या कंडीशन होती है कि अगर कहीं भी हमारे पास एक इनपुट 1 आ जाए, ठीक है, एक भी इनपुट हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए, हमारे पास आउटपुट क्या आती है, 0 आती है। जैसा कि आप इन तीनों आउटपुट के अंदर देख लें, इन तीनों आउटपुट, ये तीनों आउटपुट हमें 0 क्यों मिली हैं, कब मिली हैं, जब हमारे पास इनपुट में से कोई कई एक दफ़ा 1 आ जाए, 2 दफ़ा भी आ सकता है, लेकिन अगर एक दफ़ा 1 आ जाए तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। जैसे कि 0 1 है, 1 1 है, 1 0 है, एक दफ़ा 1 आया तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, 0 आ गई। इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे 1 है तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे 1 हो तो भी 0 आएगा क्योंकि 1 1 0 होता है। यहाँ पे अगर हमारे पास 0 हो तो भी यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा क्योंकि 1 0 0 ही होता है। तो इट्स मीन हम इसकी आउटपुट लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 1 हो, एस की = 1 हो तो हमारे पास क्यू बार की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पे क्यू बार की वैल्यू लिख दी 0। अब ये 0 यहाँ से हमारे पास इसकी फीडबैक, इसकी इनपुट बनेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 00। अब यहाँ पे क्या है, 0 और 0, 00 किसके इक्वल होगा, 1 के। जो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो हमने क्यू की वैल्यू क्या लिख दी, 1 लिख दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ गया, एस अब 0 हो गया और आर क्या हो गया, आर 0 ही है, आर वही है और एस की वैल्यू क्या हुई है, चेंज हुई है। अब एस की वैल्यू चेंज हुई है, एस की वैल्यू हो गई 0। अब इसकी वैल्यू चेंज हुई है, उसकी सेम है। जिसकी वैल्यू चेंज हुई हो उसकी जो इनपुट के अंदर ना इसके फीडबैक, जो हमारा जो वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं होती उसका फीडबैक हम लेते हैं। ये हमारे पास एस की वैल्यू 1 थी, 0 हुई है, और आर की वैल्यू 0 है, 0 ही रही है। तो इसका मतलब है जो इसकी हमारे पास जो आउटपुट आई थी ना, पिछले वाली आउटपुट ये क्या थी, 1 आई थी। तो ये 1 जो होगा, अब 1 इसकी दूसरी क्या बनेगा, इनपुट बनेगा ये। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 1 0 1 0 हमारे पास क्या होता है, 0। अब ये 0 अगेन ये इसकी इनपुट बनेगा, 0 0। अब देखें 0 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये देखें हमारे पास ये वही कंडीशन दोबारा से आ रही है, 1। इसका मतलब है क्यू बार की वैल्यू 0 होगी और क्यू की वैल्यू 1 होगी। तो ये क्यू बार की वैल्यू 0 है और क्यू की 1 है। ये आपने ठीक कर लेना है, मैंने चेंजिंग की है, पहले आपने गलती ठीक कर लेनी है। यहाँ पे पहले 0 1 लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पे 1 0 आएगा, ठीक है। अब ये भी हमारे पास सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट में हमारे पास एस की वैल्यू सेम 0 ही रह रही है, आर की वैल्यू अब चेंज हो रही है। अब किसकी वैल्यू चेंज हो रही है? आर की वैल्यू चेंज हो रही है। अब ये आपने देखना है और करना है, आर की वैल्यू चेंज हो रही है। ये हमारे पास लास्ट इनपुट तौर पर है। अब हमारे पास आर की वैल्यू क्या है? वन है। आर की वैल्यू वन है। वैल्यू चेंज किसकी हुई है? आर की हुई है। इसका मतलब है इसकी जो एस की जो हमारे पास आउटपुट आई थी जीरो थी, अब वो ज़ीरो यहाँ पे जाएगा, ये वाला ज़ीरो अब यहाँ पे जाएगा, वन ज़ीरो क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू की वैल्यू हमारे पास इस टाइम क्या आएगी? ज़ीरो आएगी। आर की वैल्यू चेंज हुई है और एस की वैल्यू का क्या रही है? सेम रही है। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी आर की वैल्यू क्या आएगी? ज़ीरो आएगी। क्यू की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। अब ये जीरो नीचे जाएगा, जीरो ज़ीरो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। अब क्यू बार की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? वन आ जाएगी। तो यहाँ पे भी आपने सेटिंग करनी है, यहाँ पे ज़ीरो आएगा और यहाँ पे वन आएगा। ठीक है, क्यू बार की वैल्यू वन है और क्यू की क्या है? ज़ीरो है। नेक्स्ट अब हमारे पास जीरो ज़ीरो हो रहा है, मतलब कि एस की वैल्यू हमारे पास सेम ज़ीरो रह रही है, चेंज किसकी हो रही है? फिर हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ रही है? चेंज हो रही है। आर की वैल्यू जीरो हो गई है। अब मतलब कि ये वाली जो इनपुट क्यू बार की थी ये ऊपर जाएगी, यहाँ पे वन आएगा, जीरो वन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ठीक है, तो ये ज़ीरो ही रहेगा, मतलब क्यू की वैल्यू ज़ीरो ही है, तो ये ज़ीरो ही लिखा हुआ है क्यू की वैल्यू। ये ज़ीरो नीचे आएगा, ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो वन, तो ये वन ही आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू वही सेम ही रहेगी, ज़ीरो वन। पहले भी ज़ीरो वन आया था, अब भी ज़ीरो वन ही रहेगा। ज़ीरो ज़ीरो के ऊपर वैल्यू हमारे पास फिर ज़ीरो वन आ रही है। अब हमारे पास दोनों वैल्यू चेंज हो रही हैं, दोनों की जगह पर हमारे पास क्या आ रहा है? वन आ रहा है। एस भी वन है और आर भी वन है। जब हमारे पास दोनों वैल्यू चेंज हो जाएंगी फिर हम पहले वाली आउटपुट के ऊपर जो है ना रिलाई नहीं करेंगे। जब हमारे पास क्योंकि दोनों वैल्यू चेंज हुई हैं, यहाँ पे भी वन आ गया और यहाँ पे भी वन आ गया। अब हमें पता है कि दोनों इनपुट में से एक भी वैल्यू वन हो जाए, ठीक है, तो आउटपुट हमें पता है ज़ीरो ही आएगी, यहाँ पर ज़ीरो ही आएगा। यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता वन हो या ज़ीरो हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये जीरो जो आउटपुट क्यू बार की वैल्यू आ गई, जीरो आ गई, ये जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे वन जीरो लिखा हुआ था, यहाँ पे सेट करना है आपने, जीरो जीरो आएगा। ठीक है, ये जीरो है, जीरो यहाँ पे चला जाएगा, वन जीरो जीरो ही होता है। तो दिस टाइम हमारे पास दोनों इनपुट्स क्या आएंगी? जीरो जीरो आ जाएंगी। आउटपुट हमारे पास दोनों क्या आ जाएंगी? जीरो जीरो आ जाएंगी। तो इसमें ये वो इनपुट्स हैं दोनों वन वन। जब हमारे पास दोनों बहुत इनपुट्स हाई होंगी तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? लो आएगी। तो इस टेबल को मैं आपको बता रहा हूँ जी, जो ए क्यू और क्यू बार का जो टेबल बनेगा वो इस तरह बनेगा, वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो। ये जो मैंने क्यू और क्यू बार की वैल्यू लिखी है, ये क्यू की वैल्यू है और नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो क्यू बार की होगी। ठीक है, तो ये आउटपुट्स हैं। यहाँ से आपने चेंजिंग करके इसको इस तरह कर लेना है। ये हमने यूज़ किया है नॉर गेट को यूज़ करते हुए। इसी तरह आपने जो है ना एसआर लैच जो है ना वो नैंड गेट को यूज़ करते हुए बनाना है। यहाँ पे हमने नैंड गेट यूज़ करने हैं। पहले यहाँ पे आपके ऊपर यहाँ पे आर था, यहाँ पे एस था, ये उल्ट कर देना। आप यहाँ पे आपके पास एस आएगा, यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे नैंड गेट का ट्रुथ टेबल लिख देंगे और उसके लिए हमारे पास एस आर और आप इनपुट्स देते जाएंगे और आपको इनपुट्स उसकी जो आउटपुट्स होंगी वो आपके पास मिलती जाएंगी। सिंपली ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था कि जब दोनों इनपुट्स हाई हो रही थी आउटपुट जीरो जीरो आ रही थी। यहाँ पे जब दोनों इनपुट्स हाई होंगी तो आउटपुट भी आपके पास हाई आएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, स्टार्ट में वन जीरो आ रहा था, वहाँ पे ज़ीरो वन आएगा, यहाँ पे ज़ीरो वन आ रहा था तो वन जीरो आएगा। मतलब कि हमारे पास एस आर और आर एस लैच दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इन्वर्स हैं। सो दिस इज़ आवर लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।